नमस्कार दोस्तों, टेक्निक को स्वागत है। मेरा नाम पुष्पक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रदर्स T220 प्रिंटर के बारे में, जो कि एडी प्रिंट आप ब्लैक एंड वाइट कलर, ब्लैक एंड वाइट में नहीं कर पाते हैं, कलर में ही होता है। तो जैसे डेमो आपको दिखा रहे हैं, जो कि एडी मैंने प्रिंट रखा, कॉपी शॉर्टकट किया और स्कैन होने के बाद जब मैं इसका दूसरा साइड लगा कर आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट वीडियो में बने रहिए। ये मैंने इसको बैक किया और इसको प्रिंट दिया कॉपी शॉर्टकट से, तो हमारा ये प्रिंट स्टार्ट हो गया है। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कलर प्रिंट में देता है और आपको बहुत दिक्कत होती है, ब्लैक एंड वाइट नहीं आप कर पाते हैं, फिर निकाल के डालना पड़ता है। तो इसी का मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको अपने वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट सोल्यूशन दोस्तों, आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे। जैसे देख रहे हैं ये कलर प्रिंट दिया है और ब्लैक एंड वाइट जैसे कि हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए चल हम PC भी चलते हैं, जो सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट आता है ब्रदर्स का। तो सबसे पहले इसका हम पासवर्ड देख लेते हैं, जो कि प्रिंटर के बैक साइड में होता है। मैंने इसको यहाँ कॉपी करके रख लिया है। इसको आप ब्रश का सॉफ्टवेयर खोलेंगे और उसके बाद मशीन सेटिंग पर जाएंगे। आपका नेट दोस्तों ऑन रहना चाहिए और यहाँ से अपने पासवर्ड डाल के आप पहले लॉगिन कर लीजिए, जो कि आपको बैक साइड में मिला है पासवर्ड प्रिंटर के। जैसे ही लॉगिन करेंगे, देखिए हमारा रेडी बता रहा है और सारा ऑप्शन जो हमारा ये खुल जाएगा। इसमें कॉपी और कॉपी शॉर्टकट का आपको ऑप्शन दिखेगा। शॉर्टकट पर पाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कलर डिफ़ॉल्ट में सेट रहता है, आप इसको यहाँ से मोनो कर लीजिए और सबमिट करके ओके कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन दिखा रहा है, तो हमारा ये सक्सेस हो गया। चलिए फिर से हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो फिर से मैंने ये आईडी अपना फर्स्ट लगाया है फ्रंट साइड और इस कॉपी शॉर्टकट से स्कैन किया है, और एक साइड स्कैन होने के बाद फिर से मैं इसको दूसरी साइड स्कैन करूँगा। जैसे कि एक साइड हो गया है, तो फिर मैं इसको बैक साइड स्कैन कर रहा हूँ और इसको कॉपी शॉर्टकट से प्रिंट दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप क्या देखेंगे कि हमारा जो प्रिंट आउट जो है वो ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, और काफ़ी दोस्तों ईजी था। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।